आज हम बनाएंगे छोला राजमा मिक्स दाल। आप ब्रेकफास्ट में इसे परांठा या पूरी के साथ खा सकते हैं, लंच में इसे रोटी या चावल के साथ खा सकते हैं। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्दी होती है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नीलम किचन में। आइए बनाना शुरू करते हैं। मैंने एक कटोरी दालों का मिक्सचर लिया है। मैंने इसे रात को अच्छी तरह से धोकर साफ़ पानी में भिगो दिया था। मैंने भिगोने के टाइम आधा छोटा चम्मच नमक डाल दिया था। नमक डालने से ये अंदर तक सॉफ्ट हो जाते हैं। इसमें काबुली चना, काला चना, बीन, हरी मटर, सफ़ेद मटर, मूंग, काफ़ी सारी दालें इसमें मिक्स है। आपको ये बाज़ार में आसानी से मिल जाएंगे। आप ये सारा मिश्रण घर में भी तैयार कर सकते हैं। उबालने से पहले हम इन्हें फिर से साफ़ पानी से धो लेंगे। मैंने इन्हें अच्छी तरह से धोकर कुकर में डाल दिया है। उबालने के लिए हम इसमें 1.5 से 2 गिलास पानी डाल देंगे। आधा छोटा चम्मच हम इसमें नमक डाल देंगे। थोड़ा सा हम इसमें घी या कुकिंग ऑयल डाल देंगे। ऐसा करने से उबालने के टाइम कुकर से जो पानी बाहर आता है वो नहीं आएगा। आप इसे स्किप मत कीजिए। गैस ऑन करके हम कुकर रख देंगे और फ्लेम को हम हाई रखेंगे। हाई फ्लेम पर हमें 4 से 5 सीटी आने तक इन्हें उबालना है और कुकर का प्रेशर ख़त्म होने के बाद ही हम कुकर खोलेंगे। प्रेशर ख़त्म हो चुका है, कुकर खोल लेते हैं। हमारा मिक्सचर अच्छी तरह से उबल चुका है। देखिए सारी चीज़ें कितनी सॉफ्ट हो गई हैं। गैस ऑन करके कढ़ाई रख देंगे। 2 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल डाल देंगे। आप कोई भी कुकिंग ऑयल डाल सकते हैं। और तेल को हम धुआं निकलने तक अच्छी तरह से गर्म करेंगे। तेल अच्छी तरह से गर्म हो गया है और धुआं निकलने लगा है। अब हम गैस को बंद करके तेल के टेम्परेचर को नॉर्मल करेंगे। तेल का टेम्परेचर नॉर्मल हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे आधा छोटा चम्मच जीरा, 2 हरी इलायची, 2 लौंग, 1 टुकड़ा दालचीनी का और 4 से 5 काली मिर्च। हम इन्हें खुशबू आने तक अच्छी तरह से भून लेंगे। 2 हरी मिर्च बारीक चॉप की हुई, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा लंबा कट किया हुआ। अच्छी तरह से ब्राउन होने तक भून लेंगे। खड़े मसाले भून चुके हैं। हमने 2 टमाटर को बारीक चॉप कर लिया है, डाल देंगे। अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे और आधा छोटा चम्मच इसमें हम नमक डाल देंगे। नमक आप ध्यान से डालिए क्योंकि उबालने के टाइम हमने नमक डाल दिया था। नमक डालने से हमारे टमाटर जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे। यदि आप प्याज खाना पसंद करते हैं तो एक मीडियम आकार के प्याज को बारीक चॉप करके खड़े मसाले चटकने के बाद डाल दीजिए और ब्राउन होने तक अच्छी तरह से भून लीजिए। और फिर आप उसमें अपने टमाटर डाल दीजिए और फिर लीड लगाकर 5 से 7 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर कुक कर लीजिए। 5 मिनट हो गए हैं, चेक कर लेते हैं। टमाटर हमारे अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें मसाले डाल देंगे। 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और लो फ्लेम पर अच्छी खुशबू आने तक भून लेंगे। मसाले हमारे अच्छी तरह से भून चुके हैं, ऑयल रिलीज हो गया है, मसालों से अच्छी खुशबू आने लगी है। अब हम इसमें अपना सारा मिक्सचर डाल देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फ्लेम को हाई कर देंगे। ग्रेवी को आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा पानी डालकर गाढ़ा या पतला कर सकते हैं। अब हम फ्लेम को लो करके 5 से 7 मिनट तक इसे ढककर कुक करेंगे। 5 मिनट हो गए हैं, चेक कर लेते हैं। देखिए कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है, ऑयल भी अलग हो गया है। हम अपनी ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए इसे थोड़ा सा मैश कर देंगे। राजमा छोला मिक्स दाल बनकर तैयार है। गैस को बंद कर देते हैं और एक सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं।
ये रेसिपी आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। ये हेल्दी होने के साथ साथ टेस्टी भी बहुत बनती है। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।